हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साकिर और आप देख रहे हैं डॉक्टर एस के आर नॉलेज। आज आप लोग को मोटापा कम करने का सारी जानकारी देंगे। मोटापे को कम करने के बहुत सारे प्लान हैं, डाइट प्लान, एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप करके मोटापे को कम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा जूस बनाना बताऊँगा जिसको बनाना बहुत आसान है और इसका यूज़ ही उतना ही आसान है। ये सभी जानकारी आपको 6 पॉइंट में देंगे। पहला पॉइंट है मोटापा का कारण क्या है, दूसरा मोटापा कम करने का उपाय, तीसरा जूस बनाने की विधि, चौथा प्रयोग करने का समय, पांचवा कितने समय तक प्रयोग करना है, छठा यह जूस काम कैसे करता है। अब हम बात करेंगे अपने पहले पॉइंट का, जो है मोटापा का कारण क्या होता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं रहता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब आप फूड खाते हैं यानी कि भोजन करते हैं, तो आपका जो भोजन होता है वो डाइजेस्ट होता है। अगर वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और फैट जो है वो आपके शरीर में डिपॉजिट होने लगता है। उसी की वजह से आपकी जो मोटापा है वो बढ़ने लग जाता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो है मोटापा कम कैसे करें। गाइस, आपको बहुत ही ईजी तरीका बताएंगे मोटापा कम करने का। आपको एक जूस बनाने का तरीका बताएंगे जिसके उपयोग से आपका जो मोटापा है, आपकी जो टमी है, चर्बी है, वो कम हो जाएगी। आपको क्या करना है, दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक है अजवाइन जिसको कहते हैं कैरम सीड्स, और दूसरा है लेमन जिसको नींबू कहते हैं। इन दोनों की मदद से आप जूस बना करके आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। अब तीसरी पॉइंट की बात करेंगे, जो है इस जूस के बनाने की विधि है। आपको क्या करना है, एक बड़ा चम्मच अजवाइन को एक गिलास पानी में रात भर भिगा कर छोड़ देना है, और अजवाइन का जो एक्सट्रैक्ट है वो पानी में धीरे धीरे मिल जाएगा। और मॉर्निंग में आपको उस पानी को गुनगुना करना है और पानी को छान कर एक गिलास में निकाल लेना है। अब इस निकले हुए पानी में आधा नींबू का रस डालें और आपका जूस बनकर तैयार हो चुका है। अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट का, जो है जूस प्रयोग करने का सावधानी और समय क्या है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला है, आपको जूस खाली पेट ही पीना है। जब आप ब्रश करके फ्रेश होकर आएँ तभी आपको पीना है। दूसरी बात है, इस पानी को पीने के बाद में आपको 40 मिनट से एक घंटे का गैप रखना है कोई भी नाश्ता करने में। अगर आप गैप नहीं रखते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो इसको आपको ऐसे ही फॉलो करना है। अब बात करेंगे अपने पांचवे पॉइंट का, जो है आपको इसको कितने समय तक फॉलो करना है। गाइस, हम आपको बता दें, अगर आप अच्छी रिजल्ट चाहते हैं तो आपको 1 से 2 महीने तक लगातार फॉलो करना है। हर रोज़ आप ऐसा ही सुबह में पिए और आपको खुद दिखने लग जाएगा कि आपका वज़न जो है वो घटने लगा है। अब हम बात करेंगे अपने छठे पॉइंट पे, जो है ये जूस जो है वो काम कैसे करता है। सो गाइस, आपको बता दें, इसमें जो अजवाइन होती है उसमें एक इसेंशियल ऑयल पाया जाता है जिसे थाइमोल कहते हैं। इसेंशियल ऑयल आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है, साथ ही साथ शरीर में जो टॉक्सिसिटी यानी कि विषैले पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, जिससे हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन नहीं होता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकलना शुरू हो जाता है और आप वज़न को कम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस ड्रिंक को आप ज़रूर पिएं और अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हम मिलते हैं आपको ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।